सोलन में न्यूरो साइंस एंड मेटा स्किल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। गौरतलब है कि यह भारत का ही नहीं एशिया का पहला रिसर्च सेंटर है जहां तनाव से ग्रस्त लोगों को योग और ध्यान के माध्यम से ठीक किया जाता है। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रशिमधर सूद भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी तनाव के कारण अपनी जान तक गंवा रही है, इसीलिए उन्हें इस तनाव से निकालने के लिए न्यूरो साइंस एंड मेटा स्किल रिसर्च सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहां तक कि सीबीएसई ने इसकी विधाओं को अपने सिलेबस में शामिल कर लिया है और हिमाचल के शिक्षा मंत्री ने इसे हिमाचल शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में भी शामिल करने का आश्वासन दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि आधुनिक समय में भागदौड़ की जिंदगी में जिस तरीके से हम अपना जीवन व्यापन करते हैं और जितने सारे सुसाइडल केसेस होते हैं, हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जीवन जो है व्यर्थ गवा देते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर वो सहन शक्ति और अपने योगा के तहत और न्यूरोसाइंस के ब्रेन के आपका ब्रेन आपको क्या कहता है उसको समझने की ये विधा जो है वो इस रिसर्च सेंटर में प्रारंभ की जाएगी। ये एशिया का पहला और भारत का प्रथम जो है वो एक सेंटर है और इस सेंटर में हमारे जो आज मुख्य अतिथि आए सुरेश भारद्वाज जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि सभी स्कूल्स में, क्योंकि सीबीएसई ने इसको शुरू कर दिया है मेटा स्किल्स और न्यूरोसाइंस को, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे हिमाचल में भी ये प्रारंभ हो और टीचर्स को इसकी ट्रेनिंग मिले ताकि आने वाला जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इस तरीके से जूझना ना पड़े कि वो उनका जो मन है वो भटकाव की तरफ ना जाए और वो संयम और नशे से दूर रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल के लिए यह गर्व की बात है कि एशिया का पहला न्यूरो साइंस एंड मेटा स्किल रिसर्च सेंटर सोलन में खुल गया है जिससे लोगों का तनाव दूर होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हिमाचल शिक्षा बोर्ड अपने सिलेबस में योग को शामिल करने जा रहा है और जैसे ही सोलन में एशिया का पहला रिसर्च सेंटर खोला गया है तो इससे भी प्रेरणा लेकर योग को और बेहतर तरीके से सिलेबस में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए न्यूरो साइंस अपने आप में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साइंस है और आज आपने देखा होगा कि अभी बच्चों में जो है वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा जो है ऊंची होता है और उसके कारण जो है वो बच्चे छोटी छोटी बात को लेकर के जो है यहाँ तक कि सुसाइड जैसी जो है नौबत आ जाती है। तो ये जो सेंटर है इसमें तो सक्षम बच्चे जो हैं उनके लिए भी और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए भी जो है वो ट्रेनिंग भी देंगे, स्किल्स वगैरह जो है उनको सिखाएंगे और उनका जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो कैसे की जा सकती है उसके बारे में जो है वो सबको बताएंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एफर्ट जो है वो कॉलेज का है और इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने श्रीमती रशिमधर सूद जी हैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एजुकेशन सिस्टम में भी जो है वो करिकुलम में बदलाव करन जो है वो प्रक्रिया में है और योगा हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूल स्तर से, तो उस दृष्टि से भी ये एक नया केंद्र जो है वो एशिया और भारत में जो है वो पहला हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। इससे हम अपने प्रेरणा लेंगे, अपने सरकारी स्कूलों में भी हम इस प्रकार की जो है व्यवस्था कर सकें।